चंपावत के कोलीढेक झील का भी गजब हाल है। अभी कुछ दिनों पहले तक झील में पानी नहीं होने से झील में नौकायन बंद हो गया था और अब झील में इतना पानी आ गया है कि सिंचाई विभाग ने झील में नौकायन बंद करने की चेतावनी जारी कर दी और यह चेतावनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग ने जारी की है। आपको बता दें, अधिशासी अभियंता राजकीय सिंचाई भवन भुवन चंद्र पांडे ने बताया है कि इस समय 15 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून का मौसम चल रहा है। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है। विगत दिनों से जनपद में भी लगातार वर्षा होने के कारण जिले के लोहाघाट स्थित लोहावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से लोहावती नदी पर बने कोलीढेक कृत्रिम जलाशय का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जलाशय के अनुमान जलस्तर को बनाए रखने के लिए डैम के गेटों को बरसात के दौरान कभी भी खोला या बंद किया जा सकता है। अतः अधिशासी अभियंता सिंचाई लोहाघाट ने वर्तमान में कोलीढेक जलाशय के समस्त नाव और जार्बिंग बाल चालकों से सूचित करते हुए उन्हें मानसून काल में अलर्ट रहने के साथ साथ अपनी नावें और जार्बिंग बाल को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। यानी फिलहाल अभी मानसून में नौकायन बंद रहेगा। इसके अलावा उन्होंने उक्त सभी चालकों को यह भी सूचित किया है कि जलाशय क्षेत्र में काफ़ी पेड़ सूख चुके हैं एवं बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ने से पेड़ों के गिरने की भी आशंका बनी हुई है, जिसमें नौका और जार्बिंग चालन के दौरान दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी है। इसलिए सभी नौकायन और जार्बिंग बाल संचालकों को सूचित किया जाता है कि बारिश और बारिश के अलर्ट के दौरान जलाशय में नौका एवं जार्बिंग बाल का चालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखें। उन्होंने साथ साथ यह भी चेतावनी दी कि उक्त आदेशों में किसी प्रकार की अवहेलना पर समस्त जिम्मेदारी नौकायन और जार्बिंग बाल संचालकों की होगी और इसके अवधि में चालान की कार्रवाई और की जाएगी, साथ ही साथ लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इस हेतु संचालकों का विभाग पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आदेश मानसून काल और उसके बाद भी वर्षा काल के दौरान लागू रहेगा। इसके साथ ही जलाशय की सिल्ट की सफाई के लिए भी मानसून काल में डैम की सुरक्षा के लिए जलाशय को खाली किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु जन सामान्य एवं डैम की सुरक्षा के लिए डैम के गेटों को नियमानुसार खोला जाएगा। इंजीनियर पांडे ने यह भी बताया कि देखने में आ रहा है कि नावों का उनकी क्षमता के अनुसार 2 एवं 4 सीटों का लाइसेंस निर्गत किया गया है, किंतु नाव चालकों द्वारा मानकों की अवहेलना करते हुए ज़्यादा पर्यटक बैठाए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग से भी होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी नाव चालकों की होगी। 2 मीटर का उसका फ्रीबोर्ड भी हमें रखना मेंटेन करना जरूरी होता है, ताकि अचानक से क्योंकि बरसात रुकने के बाद भी जो उसका कैचमेंट एरिया 14.5 स्क्वायर किलोमीटर है और उससे 2 घंटे बारिश रुकने के 2 घंटे बाद ही पानी आता बढ़ता रहता है। अतः हमको उसको 1710 मीटर के एफआरएल को मेंटेन करना पड़ता है मानसून काल में। साथ ही हमको डिसिल्टिंग भी फर्स्ट मानसून काल है, अगर सिल्ट कंस्ट्रक्शन के बाद सिल्ट डिपोजिशन हो जाएगा उसकी क्षमता घट जाएगी। अतः उसको मेंटेन करने के लिए हमको एक बार उसे खाली भी करना है, डिसिल्टिंग करना भी आवश्यक है। नाव जो संचालक है उनको एवं जॉर्डिंग बॉल संचालकों को हम हमारे द्वारा लिखित रूप से भी और मीडिया के माध्यम से भी बता दिया गया था, अवगत करा दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी गेट खुल सुरक्षा की दृष्टि से अभी गेट खुले जा सकते हैं और डैम की सुरक्षा भी है, पर्यटक की सुरक्षा भी है। साथ ही उसके अंदर जो सूखे पेड़ देवदार के वृक्ष सूख चुके हैं उन वृक्षों को भी अगर सुरक्षा की जैसे कहीं ना गिरें, क्योंकि देवदार की जड़ें बहुत कम गहरी होती हैं और सूख गए अचानक वर्षा काल में कहीं गिर न जाए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने अवगत करा दिया कि 15 अक्टूबर तक इसको प्रतिबंधित करा जाए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।